चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान की जो तिथि है वो तय हुई है। 23 नवंबर को एक ही चरण में राजस्थान की 200 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। इसके अलावा 3 दिसंबर को 5 राज्यों के एक साथ परिणाम आएंगे, जिसमें राजस्थान का भी परिणाम होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस, दो प्रमुख पार्टियां ही राजस्थान में एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं राजस्थान की कुछ सीटों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कई बड़े नेताओं की साख भी इस चुनाव में दांव पर है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन हॉट सीटों पर जिस पर कि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लग चुकी है। टोंक जिले की 4 सीटों सहित सचिन पायलट की सीट पर सभी की नजर रहेगी। इस वक्त जिले की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें कि टोंक, देवली उनियारा, निवाई पीपुली और मालपुरा और टोडा रायसिंह जो है, यहां पर आगामी चुनाव में कुल 1089 बूथों पर 10,68,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। टोंक विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए सचिन पायलट ने अपने पिछले बयान में कहा था कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार बनी तो 2024 में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। ऐसे में देखना यह है कि जनता किस पार्टी की सरकार बनाती है, क्योंकि टोंक जिले की इन 4 सीटों पर सबकी निगाहें रहने वाली है। टोंक की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा इस वक्त है। टोंक, देवली उनियारा, निवाई पीपुली और अभी कांग्रेस ने अपना कब्जा इन दोनों सीटों पर जमाया है। मालपुरा टोडा रायसिंह सीट पर बीजेपी काबिज है। 2013 के चुनाव में टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इस विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात अधिक है। आपको बता दें कि जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है। यहां से अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर गहलोत 1999 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने इस सीट पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। 2018 में हुए चुनाव में अशोक गहलोत को कुल 63% वोट मिले थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम गहलोत एक बार फिर इस सीट से अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। जिस तरह से सरदारपुरा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, ठीक उसी तरह से झालरापाटन बीजेपी का गढ़ है। इस सीट का राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003 से लगातार प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को लगभग 35,000 वोटों के अंतर से हराया था। लक्ष्मणगढ़ सीट पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर सिर्फ एक बार 2003 में चुनाव जीती है, जबकि कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2008 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जाट शीशराम ओला ने 3 बार झुंझुनू सीट का प्रतिनिधित्व किया है और उनके बेटे ब्रिजेंद्र ओला 2008 से यहां जीत रहे हैं। राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल यहीं से थे। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह यहां से 6 बार निर्वाचित हुई हैं, जिनमें से 4 बार उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। चूरू सीट, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने 1990 के बाद से बीजेपी के इस गढ़ का 6 बार प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस के नेता डोटासरा का यह दावा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में जनता का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और उन्होंने राठौर को चुनौती देते हुए कहा है कि वो यहां से लड़े। उदयपुर वाटी पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि हाल ही में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए राजेंद्र गुढ़ा ने 2008 से 2018 में बीएसपी के टिकट पर यहां सीट जीती थी, लेकिन दोनों ही बार वो कांग्रेस में चले गए। अब गुढ़ा एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका हिस्सा बने हैं। उनका दावा यह है कि उनके पास अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार वाली लाल डायरी है और यही वजह है कि इस सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। कोटा की एक बड़ी सीट, कोटा उत्तर, 1993 से बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर जीतती रही है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 2003 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। राजस्थान के मंत्री और वर्तमान विधायक शांति धारीवाल इस निर्वाचन क्षेत्र से हैं और ये चाहते हैं कि इस बार उनके बेटे यहां से कांग्रेस का टिकट जीत जाए या मिल जाए। राजस्थान में खान मंत्री प्रमोद जैन भाषा अंता निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया तो उन्हें अपनी ही पार्टी के भरत सिंह कुंदनपुर से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। गुलाबचंद कटारिया की बात करें तो इस साल की शुरुआत में असम के राज्यपाल वो नियुक्त हुए और इसीलिए उदयपुर की सीट खाली हुई और उदयपुर की ही सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कटारिया यहां से 6 बार विधायक रहे थे। ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी अब यहां पूर्व मेवाड़ राजपरिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतार सकती है। चर्चा यह भी है कि खाजूवाला सीट पर दलित नेता राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम के बीच मुकाबला हो सकता है।
पोखरण सीट अक्सर चुनाव में धार्मिक आधार पर लड़ी जाती है ये सीट, और मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे सालेह मोहम्मद ने 2018 में हिंदू संत और बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पुरी को यहां से हराया था। दोनों का एक दूसरे पर फिर से आरोप प्रत्यारोप के साथ आमना सामना होने की संभावना है। बीकानेर पश्चिम की सीट बात करें तो बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा लगातार दौरा इन इलाकों का कर रहे हैं। पार्टी के टिकट के दावेदार वो भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल जाटों के गढ़ नागौर में स्थित खीवसर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबर है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई नागौर पूर्व की सांसद ज्योति मिर्धा को उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। सचिन पायलट के समर्थक दिव्या मदरेणा ओसिया सीट से पहली बार कांग्रेस की विधायक हो सकती हैं, लेकिन आरएलपी के बेनीवाल यहां कई रैली कर चुके हैं और उनकी पार्टी उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। इस तरह इन विधानसभा सीटों पर राजस्थान की चुनाव में पैनी नजर रहने वाली है लोगों की, और इसके परिणाम राजस्थान की सियासत को भी प्रभावित करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।